धरना लगाया, क्या मामला है भैया? ये हमारी समझ में नहीं आई, या तो हम ही पागल हो गए या ये अंदर अधिकारी और कर्मचारी पागल हो गए, दोनों में से एक जरूर पागल है। चाहे बिजली विभाग हो, चाहे जो है बैंक के अधिकारी कर्मचारी हो, यानी कोई सा भी विभाग ले लो, यानी हम समझाते समझाते हार गए। मगर भाई हम ना किसी को घटिया शब्द कहते हैं, ना किसी को मार छेड़ करें, सम्मान देते हैं, लेना भी भाई मिलना भी चाहिए कुछ ना कुछ बदले में। तो जो है हम इनसे ये कह रहे हैं भाई, उपभोक्ता आपके लिए भगवान है, और आप जब आप उपभोक्ता का भी अपने ग्राहकों का भी अपमान करोगे तो भाई हम ये बर्दाश्त नहीं करने के। यहाँ हमारे हरि सिंह सनौब जो है भारत सिंह है मलुपुरा के, ये तीन चार चक्कर इन्होंने मारे 31 तारीख से पहले भी। भैया जी बैग चले जाइए भैया जल्दी, ये हमारा काम नहीं, हमारा बैंक भी अलग है। तो उन्हें नो ड्यूज करवाना था। नो ड्यूज में कुछ नहीं होता, आप भी जानते होंगे, बुद्धिजीवी वर्ग है आपका। सिर्फ रजिस्टर में ये देखना है कि उसमें किसान पर लोन है या नहीं है, वह उसकी रिपोर्ट लगानी है। मैं भी कहीं को जा रहा था, इनका फ़ोन पहुंच गया, देखिए मैं तंग आ गया, कहाँ हो मगर धनौरी नूंगा, यहाँ को आ जाओ। मैं भी आ गया यहाँ, मैंने भी खुद समझाया, बोले मैनेजर नहीं है। भैया इसमें मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, इसमें रिपोर्ट लगाए दो, माहौल लगाए दो, बस यही तो करना है। बोले हमारे पास टाइम नहीं है। मगर भैया मैनेजर नहीं है, बोले ट्रांसफ़र हो गया। भैया ट्रांसफ़र हो गया, नए का पुराने का किसी का हमें फ़ोन नंबर दे दो, हम उनसे कहलवा देंगे। बोले हमारे पास टाइम नहीं। तो मैंने तुरंत एसडीएम साहब का फ़ोन लगाया, मगर एसडीएम साहब ये समस्या कल को आप हमसे कहो। बोले अध्यक्ष जी मेरी बात कराओ। तो मैंने इनसे जो यहाँ बैठे थे उनसे बात कराई, इस बिंदु की बजाय बोले मैं तो पैसा जमा कर रहा हूँ, किसी को मैंने नहीं कर दिया। मगर साहब झूठ बोल रहे हैं, ये पैसे का तो वो रगड़ा ही नहीं, रगड़ा ये है भाई फ़ोन काट दिया। तो मैं बोला भैया आज तो हम कुछ कह नहीं रहे हैं, सोमवार वाले दिन ये सारी समस्या आपके सामने है, आपको काम करना ही पड़ेगा, आप हो नौकर, बोले देखी जाएगी। तो आज इसलिए बैठे हैं, यहाँ की भी समस्या पिटुआ बैंक में भी हमारे उपभोक्ताओं के साथ बदतमीजी हो रही है, वहाँ भी है। या तो हम फिर कह रहे हैं या तो हम पागल हो गए या ये पागल हो गए। अब आपकी मांग क्या है? मांग हमारी यही है, अपना काम ठीक ठाक करें और अपने उपभोक्ताओं का सम्मान करें, काम भले ही देर से करें पर सम्मान तो करें। बोले देखिए आपने बताया नहीं, आप कौन है? अरे मकम मैं इतना मूर्ख हूँ, मैं अपना काम निकाल के ले जाऊँ, मैं फलाऊँ, मका ये मेरे जन्म पत्री में लिखा ही हो या नहीं कि मैं अपना एड्रेस दूँ, मेरा तो यहाँ कुछ काम ही नहीं। तो मका आप पहला जानकारी करने के बाद क्या पद है, कौन से उस पर तभी काम करते हो। तो ये है आज, ये अपना दिमाग ठीक कर लेंगे। अब यहाँ कब तक बैठोगे आप? अब जब तक वो जिसने ये करा है वो अपने अपनी गलती स्वीकार